हेलो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ गिलहरियों की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने वाला हूँ। यह स्टोरी जितनी इंटरेस्टिंग है उतनी ही नॉलेजेबल भी है, आपको ये बहुत कुछ सिखाएगी, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना। मैं कुमार सौरभ, आपका थॉट क्यूरेटर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो जाकर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव और मोटिवेशनल वीडियोस देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इस कहानी में आगे क्या होता है। एक बार एक बहुत बड़े जंगल में एक बहुत पुराना जामुन का पेड़ था। उस पे बहुत सारे गिलहरियों के परिवार रहते थे, और क्यों ना हो, वो पेड़ उन गिलहरियों को सब कुछ देता था जो उनको जीने के लिए चाहिए, खाने के लिए मीठे मीठे फल और जंगली जानवरों और पक्षियों से रक्षा। और यही कारण था कि उन गिलहरियों ने कभी भी उस पेड़ को छोड़ के जाने की नहीं सोची थी। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लग गई। दुनिया की दूसरी चीजों की तरह उस पेड़ का भी अंत निकट आ गया था। उसकी जड़ें कमजोर हो गई थी, अब उस पे फल भी कम लगने लगे थे, और जो भी फल उगते वो सारी गिलहरियों के लिए काफी नहीं थे। यह एक आपातकालीन सिचुएशन था उन गिलहरियों के लिए, जिसको इग्नोर करना उनके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता था। तो उन लोगों ने एक बार एक मीटिंग बुलाई। उन सब में से एक बहुत ही बूढ़ा गिलहरी था जिसने उस मीटिंग की अध्यक्षता की। उसने बोला, दोस्तों, ये पेड़ ही हमारी दुनिया है, ये हमारा अन्नदाता है, इसने हमारे साथ साथ हमारे पूर्वजों को भी खाने के लिए खाना दिया है, और हमारी जंगली जानवरों और पक्षियों से रक्षा की है। हम इसको छोड़ के नहीं जा सकते, ये पेड़ ही हमारे लिए सब कुछ है। आज इसकी जड़ें कमजोर हो गई तो क्या हुआ, या फल आने कम हो गए तो क्या हुआ, ये फल हम सबके लिए काफी है, और भगवान की दया से जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए हम सबको यहीं रह के भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि जल्दी ही सब ठीक हो जाए। ये बात सुन के बाकी गिलहरियों ने भी उस बूढ़े गिलहरी की हां में हां मिलाई, और सब वहीं रहने के लिए तैयार हो गए। लेकिन वहीं एक और छोटा सा गिलहरी था, वो बूढ़े गिलहरी की बात से सहमत नहीं था। उसने बोला, यहां रहने से अच्छा होगा कि हम अपने लिए नया घर ढूंढने के लिए जाएं। इस पेड़ का अंत नजदीक है, हो सकता है यहां पे हम कुछ दिन और रह जाएं, लेकिन थोड़े समय बाद हमें यहां से जाना ही होगा। तो इससे अच्छा है कि हम अभी से नए घर की तलाश में जाएं, ताकि हम वक्त रहते ही नया घर ढूंढ सके। उस छोटे गिलहरी की बात सुनके बूढ़े गिलहरी को गुस्सा आ गया। उसने बोला, बेकार की बातें मत करो, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें नहीं पता कि क्या हो सकता है। अगर हम यहां से गए तो बहुत से जंगली जानवर हैं जो हमारा वेट कर रहे हैं, और वो हमें मार के खा जाएंगे। तो इसलिए हमें सुरक्षित रहने के लिए यहीं रहना होगा। इसलिए अपने गर्म खून को शांत करो और यहीं रहो, भगवान की दया रही तो सब कुछ पहले की तरह ही ठीक हो जाएगा। छोटे गिलहरी ने बोला, खतरा कहां नहीं है, अगर हम यहां आज रहते हैं तो ये सबसे बड़ा खतरा होगा। और जहां तक भगवान पे भरोसा की बात है, तो हमें इस बात पे भरोसा होना चाहिए कि जब हम नया घर ढूंढने जाएंगे तो भगवान हमारी जंगली जानवरों से रक्षा करेंगे। बाकी आप लोगों को जो करना है कीजिए, मैं तो जा रहा हूँ नया घर ढूंढने। और यह कह के छोटा गिलहरी वहां से चला गया। काफी समय बीत गया, छोटे गिलहरी की कोई खबर नहीं आई। अब सबको लगा कि छोटा गिलहरी मारा गया होगा। अब बूढ़े गिलहरी सबको यही कहते थे कि मैंने तो उसको मना किया था, लेकिन वो नहीं माना, और बेचारा बेकार में ही मारा गया। कुछ वक्त और बीता, उस पेड़ से फल और कम हो गए। एक बार फिर से सभा बुलाई गई। इस बार सारी गिलहरियां दो गुटों में बट गई। आधी गिलहरियां तो चाहती थी कि वो छोटे गिलहरी की तरह अपना दूसरा घर ढूंढने के लिए जाएं, तो जो ये सोचता था वो अपना घर ढूंढने के लिए चले गए। बाकी आधे लोग जो बूढ़े गिलहरी की बात में आ गए, वो वहीं रह गए। कुछ महीनों बाद उस पेड़ से सारे फल खत्म हो गए, और धीरे धीरे वहां रुकी हुई सारी गिलहरियां एक एक करके मर गई। वहीं दूसरी गिलहरियों ने छोटे गिलहरी के साथ मिलकर अपना एक नया घर ढूंढा, और वहां अच्छे से रहने लगे। हम लोग भी इन्हीं गिलहरियों की तरह किसी न किसी जामुन के पेड़ से जुड़े हुए हैं। चाहे हम किसी भी इंडस्ट्री में हैं, चाहे हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, हमारा बिजनेस बड़ा होता जा रहा है, एरिया बढ़ता जा रहा है, काम करने का तरीका बदलता जा रहा है। और अगर हम उस बूढ़े गिलहरी की तरह पहले के तरीकों पर अटके रह जाएंगे, या अपने अंदर चेंज नहीं लाएंगे, तो हम भी उन गिलहरियों की तरह मारे जाएंगे। इससे अच्छा है कि हम वक्त रहते ही नई चीजों को ढूंढे और अपने आप में बदलाव लेके आए, जिससे हम आने वाले चेंजेस के साथ कॉप अप कर सके और आगे बढ़ सके, तभी हम सफल हो पाएंगे। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई तो इसको लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर जरूर करें, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल के आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अभी के लिए बाय बाय, जल्द ही मिलते हैं नई वीडियो के साथ। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटेड। बाय बाय।